दोस्तों, अगर आप लोगों पास पोको X2 की डिवाइस है तो आज की इस वीडियो में आप सबको 10 ऐसे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो हमें हमारे MIUI 12 की जब अपडेट मिलेगी, जो फ्यूचर में अपडेट देखने को मिलेगा, उसमें हमें ये सारे फीचर्स देखने को मिलेगा। सो गाइज, ये वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग। इस वीडियो में बिल्कुल आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आप लोगों को सारी जानकारी दे दूंगा कि हमारे पोको X2 में नेक्स्ट अपडेट कब तक देखने को मिलेगा और ये सारे फीचर्स कौन कौन सी हमें देखने को मिल सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अब करते हैं काउंट डाउन स्टार्ट फीचर्स की। तो सबसे पहले तो इस समय जो फीचर्स देखने को मिलने वाला, जो अपडेट हमें देखने को मिलने वाला है हमारे पोको X2 में, वो आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 11 की। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना पोको X2 में एंड्रॉयड 11 को यूज़ कर रहा हूँ और दोस्तों इस एंड्रॉयड 11 में हमें बहुत से फीचर्स देखने को मिलते हैं जिसके बारे में मैं आप लोग को एक एक करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं जब पोको X2 की अपडेट मिलेगा हमारे इंडिया में या ग्लोबल में, जब हमें अपडेट मिलेगा तो उसमें एंड्रॉयड 11 की ऑफिशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अभी जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, ये भी ऑफिशियल रोम है। मैं MIUI 12 की ऑफिशियल रोम यूज़ कर रहा हूँ, बीटा वाला रोम यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी बीटा वाला रोम को अपने फ़ोन में यूज़ करेंगे तो आपके फ़ोन में भी यहाँ पर एंड्रॉयड 11 की सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग ग्लोबल रोम यूज़ करते हैं, इंडिया वाला स्टेबल रोम यूज़ करते हैं, तो आपके फ़ोन में ये अपडेट आने में टाइम है। और दोस्तों, कब तक ये अपडेट मिलेगा एंड्रॉयड 11 की, इसके बारे में आप लोग को आगे तो बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले जो चेंजेस हमें देखने को मिलेगा ये एंड्रॉयड 11 की हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगले चेंजेस की बात कर लेते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कैमरा में। तो हम लोग कैमरा यहाँ पर जाएंगे तो कैमरा तो हमें टिपिकल MIUI 12 की यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, जो चेंजेस हमें देखने को मिलेगा वो हमें मोर में जाने के बाद, हमें जो यहाँ पर जो UI देखने को मिल रहा है, जो टाइल्स देखने को मिल रहा है, वहाँ पर आपको न्यू लेआउट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बटन, एक टैब देखने को मिल जाता है, जिस पर आप लोग टैप करते ही आप लोग को फंकी लुक यहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है। तो सभी टाइल्स, जो सभी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, नाइट, 64, शॉर्ट वीडियो, तो जो जो ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला दोस्तों, वो सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन ये वाले जो है, ये होल्ड लेआउट है, इसके दोस्तों लेआउट को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, जहाँ पर दोस्तों इस बटन को सिंपली टैप करके हम लोग अपने कैमरा के इस वाले सेक्शन में मोड में जाने के बाद जो हमें लुक देखने को मिलता है, वो यहाँ पर फंकी लुक देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये फीचर्स भी हमें इंडिया में जब अपडेट मिलेगा तो देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगले फीचर्स की, अगले चेंजेस की बात कर लेते हैं तो वो भी हमें कैमरा में देखने को मिलेगा। वो दोस्तों हमें देखने को मिलता है व्लॉग मोड में। तो उसके लिए दोस्तों, आप लोगों को अपने कैमरा एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करना होगा। कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको जाना होगा मोर में, और मोर में जाने के बाद दोस्तों जाएंगे यहाँ पर व्लॉग मोड में। सो दोस्तों, यहाँ पर व्लॉग मोड में हमें दो न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाता है, दो न्यू टेम्पलेट देखने को मिल जाता है, प्रीसेट टेम्पलेट देखने को मिल जाता है, एक है स्टोरी और एक है फ्रेम। तो पहले यहाँ पर कुछ हमें टेम्पलेट देखने को मिलता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दो और टेम्पलेट देखने को मिल जाता है। काफ़ी इंप्रूवमेंट, काफ़ी इन्हेंसमेंट आप लोग को यहाँ पर हमारे वीडियोग्राफी में देखने को मिल जाता है, अगर आप लोग इस व्लॉग मोड को अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं। अगले चीज़ की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो उसके लिए आप लोग को जाना पड़ेगा अपने फ़ोन के सेटिंग में। और जब आप लोग अपने फ़ोन के सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों, सबसे पहले जो चेंजेस देखने को मिलेगा, आप लोग को जाना होगा डिस्प्ले में। और डिस्प्ले में जाने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर जो डार्क मोड और लाइट मोड की यहाँ पर जो UI देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गया है। आप लोगों को न्यू लेआउट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो हमारे फ़ोन में काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। और डार्क मोड में यहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट और ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, डार्क मोड को जैसे हम लोग इनेबल करेंगे तो वहाँ पर एक और ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, मोर डार्क मोड ऑप्शन। तो वहाँ पर जब जाएंगे हम लोग तो आप लोगों को दो ऑप्शन वहाँ पर और देखने को मिलता है, एक है एडजस्ट वॉलपेपर टू डार्क मोड। ये जो लाइट वॉलपेपर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग इस ऑप्शन को जब जैसे इनेबल करेंगे तो आपकी जो लाइट वॉलपेपर है उसे यहाँ पर डिम कर देगा, उसमें आप लोगों को डार्कनेस देखने को मिलेगा, आपके वॉलपेपर को यहाँ पर एडजस्ट कर देगा। मैं यहाँ पर अगर इसे डिसेबल कर देता हूँ, उसके बाद देख सकते हैं हमारे जो वॉलपेपर है यहाँ पर, उसकी जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गया। और फिर से अगर मैं आप लोग ये वॉलपेपर को यहाँ पर इस एडजस्टमेंट को यहाँ पर इनेबल कर देता हूँ, तो देख सकते हैं हमारा जो वॉलपेपर यहाँ पर डिम हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन में देखने को मिलता है एडजस्ट टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली। तो जो टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड जो देखने को मिलता है हम लोगों को, उसमें भी यहाँ पर आप लोगों को ऑटोमेटिक वहाँ पर डार्क मोड और लाइट मोड के हिसाब से वो ऑटोमेटिक वहाँ पर एडजस्ट करता रहेगा। तो ये कुछ नए फीचर्स हमें डार्क मोड में देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, डार्क मोड में आप लोगों को बहुत से ऑप्टिमाइज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी अगर आप लोग डार्क मोड को यूज़ करते हैं तो डार्क मोड को यूज़ करने के बाद जो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो दोस्तों, उसमें आप लोगों को डार्क मोड जो है वो परफेक्टली काम नहीं करता। आप लोगों को कहीं पर येलो देखने को मिलेगा, कहीं पर आप लोग क्लियर देखने को मिलेगा, कहीं पर टेक्स्ट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो वो उसमें आप लोगों को एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। और डार्क मोड में आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा जब हमें अगला अपडेट, आपको अपडेट मिलेगा। तो ये कुछ न्यू UI हमें देखने को मिल जाता है डार्क मोड में। इसके अलावा दोस्तों, अगले चेंजेस की बात कर लेते तो वो भी हमें देखने को मिलता है नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में। तो अभी देख सकते हैं हमें जो नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिल रहा है, तो पहले वाले ऑप्शन हमें डिस्प्ले में देखने को मिलता था।
तो डिस्प्ले में जाने के बाद आप लोग स्टेटस बारे में जाते रहते थे, तो वहां पर आप लोगों को यूज न्यू कंट्रोल सेंटर की ऑप्शन मिलता था। पर दोस्तों इस वाले ऑप्शन को यहाँ से बाहर से निकाल दिया गया, और बाहर में जाने के बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर मिलता। और दोस्तों इस कंट्रोल सेंटर में हमें देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर की यहाँ पर न्यू यूआई देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जैसे आप लोग इस पर टैप करेंगे तो आपको टैप करने के बाद हमें यहाँ पर न्यू वर्जन और ओल्ड वर्जन देखने को मिल जाता है विद एनिमेशन। तो आप लोग यहाँ पर एनिमेशन देखने को मिल जाता है कि आप लोग कौन सी कंट्रोल सेंटर को स्टाइल को यूज करना चाहते हैं। आप लोग मी वाई 11 वाली या फिर ओल्ड वाली यूआई को यूज करना चाहते हैं, जैसा कि अभी मैं यहाँ पर ओल्ड वाली यूज किया हूँ। तो पुरानी वाली यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, और जैसे आप न्यू करेंगे तो न्यू करने के बाद हमें यहाँ पर न्यू कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ न्यू यूआई देखने को मिल जाता है, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर स्मार्ट होम की भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग को, अगर आप लोग कोई स्मार्ट होम वगैरह यूज करते हैं तो स्मार्ट होम के जैसे यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कोई आप लोग स्मार्ट डिवाइसेस यूज करते हैं, मी बल्ब या फिर मी स्पीकर वगैरह जो भी जो स्मार्ट डिवाइसेस है, अगर आप लोग कनेक्ट करके रखे हैं अपने फोन से, तो आप लोग उसकी डिटेल यहाँ पर आपके कंट्रोल सेंटर में ही देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग होम स्क्रीन में जाएंगे तो होम स्क्रीन में जाने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, अरेंज आइटम्स इन रिसेंट। जब आप इस पर टैप करेंगे, टैप करने के बाद हमें दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक है हॉरिजॉन्टली और एक है वर्टिकली। तो वर्टिकली हमें मी वाई 12 की पुरानी वाली ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टली को एनेबल करेंगे तो हॉरिजॉन्टली को एनेबल करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर iOS 14 में जिस तरह से देखने को मिलता है रिसेंट मेनू, या फिर स्टॉक एंड्रॉइड में देखने को मिलता है रिसेंट मेनू, उस तरह दोस्तों कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है रिसेंट मेनू हमारा। पर दोस्तों अगर आप लोग इस वाले फीचर्स को अपने फोन में यूज करना चाहते हैं, अभी आप लोग अपने मी वाई 11 या फिर मी वाई 12 की डिवाइस में यूज करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो को चेकआउट कर लेना। इसमें मैंने आप लोगों को बताया किस तरह से आप लोग अपने मी वाई 12 की डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं न्यू वाली iOS 14 वाली कंट्रोल सेंटर को, रिसेंट मेन्यू कैसे आप लोग अपने फोन में यूज कर सकते हैं। अगले चेंजेस की दोस्तों बात कर लेते, वो भी हमें देखने को मिलेगा होम स्क्रीन में। तो होम स्क्रीन में जाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन की एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और इस सिस्टम नेविगेशन में जाने के बाद आप लोग इस पर टैप करेंगे तो आप लोग जिससे बटन के यहाँ पर चूज कर सकते हैं, बटन चाहिए बटन कर सकते हैं, जिससे चाहिए जिससे कर सकते हैं। तो ये वाली ऑप्शन हमें हमारे होम स्क्रीन में यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जबकि ये ऑप्शन पहले हमें एडिशनल सेटिंग में देखने को मिलता था। इसके बाद अगले चीज की दोस्तों बात कर लेते तो हमें देखने को मिलेगा गैलरी में। तो आप लोग गैलरी को ओपन करेंगे, उसके बाद किसी भी फोटो को ओपन करेंगे और जाएंगे एडिट मोड में, यानी गैलरी के फोटो एडिट मोड में जाएंगे दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पर स्काई फिल्टर की सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो हमारे फोन में काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये हमारे अभी ग्लोबल लो में भी देखने को मिलता है, लेकिन उसमें जो फीचर्स की मैं बात करने वाला हूँ वो आपको देखने को मिलता है कि आप लोग गैलरी में किसी फोटो को ओपन करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे मोर में, और मोर में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलता है, दो न्यू ऑप्शन को यहाँ पर ऐड कर दिया गया, एक है रिकॉग्नाइज टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप लोग टैप करने के बाद आपके फोन की फोटो में जो भी टेक्स्ट देखने को मिलता है उसे आप लोगों को यहाँ पर वो OCR में यहाँ पर वो चेंज कर देगा, उसकी एक टेक्स्ट बना के आपके नोटपैड में यहाँ पर सेव कर देगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, यानी जो हमारे फोटो में, जो हमारे गैलरी की जो भी फोटो में कोई भी टेक्स्ट वाली कोई इमेज है, तो उसे यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ रिकॉग्नाइज करके उसकी एक टेक्स्ट वाली फाइल में कन्वर्ट कर देगा, यानी OCR में कन्वर्ट कर देगा। और दोस्तों वहीं पर हमें एक और ऑप्शन देखने को मिलता है क्रिएट PDF। तो आप लोग मोर में जाकर यहाँ पर किसी भी फाइल को PDF में क्रिएट कर सकते हैं, और उसे .PDF में क्रिएट करने के बाद आप लोग शेयर कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। अगले चेंजेस की दोस्तों बात कर लेते तो आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल सेंटर में। तो कंट्रोल सेंटर में दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें डाटा यूजेस की सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों ये डाटा यूजेस की सपोर्ट हम इंडियन को बहुत ही जरूरी है, हम इंडियन की बहुत ही ज्यादा डिमांड है, और हम लोग यहाँ पर डिमांड भी कर रहे हैं दोस्तों। और ये डाटा यूजेस की जो सपोर्ट है ये हमारे इंडिया में भी देखने को मिलेगा, आज नहीं तो कल दोस्तों जब अपडेट मिलेगा तो हमारे इंडिया में भी ये देखने को मिलेगा। और कंट्रोल सेंटर में दोस्तों हमें काफी इंप्रूवमेंट के साथ में ये डाटा यूजेस की सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों कंट्रोल सेंटर में हमें एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, नहीं अगर हम लोग अपने फोन को लैंडस्केप मोड में यूज करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर लैंडस्केप मोड में जैसे अपने फोन को यहाँ पर यूज करूंगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन या सेंटर या फिर कंट्रोल सेंटर को स्वाइप डाउन करेंगे, तो हमारी जो ये फुल स्क्रीन देख पा रहे हैं आपको, जो फुल स्क्रीन में हमारे ये जो कंट्रोल सेंटर वो देखने को मिल जाता है, सारे कंटेंट को सारे टाइल्स वगैरह को हम लोग अपने एक ही स्क्रीन में यहाँ पर यूज कर सकते हैं। गैलरी में हमें न्यू ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, इस रोटेट बटन को इस पर टैप करेंगे, और टैप करने में जैसे हमारा फोन लैंडस्केप मोड में जाएगा, उसके बाद हम लोग अपने नोटिफिकेशन सेंटर या कंट्रोल सेंटर यहाँ पर स्वाइप डाउन करेंगे, तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है लैंडस्केप मोड में। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एंड्रॉइड 11 की हमें अपडेट देखने को मिलेगा, और एंड्रॉइड 11 में जितने भी प्राइवेसी वाले फीचर्स है वो हमारे फोन में देखने को मिलेगा, हमारे अपडेट में देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों हम लोग अपने किसी भी एप्लीकेशन में, अगर हम लोग यहाँ पर किसी एप्लीकेशन में ब्लर ऑप्शन को एनेबल कर देंगे, जैसा कि अगर मैं आप लोगों को थीम वाले एप्लीकेशन में ब्लर ऑप्शन को यहाँ पर एनेबल कर देंगे
यानी प्राइवेसी को यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे रिसेंट मेन्यू में दोस्तों, तो आपको यहाँ पर एक प्राइवेसी की आइकन देखने को मिल जाता है, जिससे मालूम चलता है दोस्तों हम लोगों ने इस वाले एप्लीकेशन में प्राइवेसी को यहाँ पर इनेबल कर रखा है। हालांकि दोस्तों हमने इसे ब्लर को प्रीव्यू को यहाँ पर इनेबल किया है, लेकिन दोस्तों वो भी एक तरह की प्राइवेसी लेवल है, तो यहाँ पर हमें इंडिकेट कर देता है कि हमारे इस वाले एप्लीकेशन में प्राइवेसी इंप्लीमेंट किया गया है। तो प्राइवेसी के रिलेटेड कुछ हमें यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आज की लास्ट फीचर्स की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो वो हमें देखने को मिलता है दोस्तों पावर मेनू और वॉल्यूम स्लाइडर। तो अगर हम लोग पावर मेनू को अपने फोन को रिबूट या बूट वगैरह करते हैं दोस्तों, तो बटन को टैप करने के बाद हमें यहाँ पर पावर ऑफ और रिबूट के ऑप्शन देखने को मिलता है। और दोस्तों देख सकते हैं इसकी यूआई में यहाँ पर काफी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर न्यू यूआई हमें देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि ये जो फीचर हमें देखने को मिलने वाला है ये हमें MIUI 13 में देखने को मिलेगा। और दोस्तों किन किन डिवाइसेस को MIUI 13 सपोर्ट करने वाला है इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप लोग मेरी वो वीडियो को नहीं चेकआउट किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इस वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लेना। यहाँ पर दोस्तों हमें MIUI 13 की न्यू पावर मेन्यू की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों हमें वॉल्यूम स्लाइडर में, अगर आप वॉल्यूम स्लाइडर पर टैप करेंगे तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम स्लाइडर में भी यहाँ पर न्यू UI देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों यही कुछ नए फीचर्स हमारे पोको एक्स2 में देखने को मिलेगा जब हमें न्यू अपडेट देखने को मिलेगा पोको एक्स2 में। पर दोस्तों बात वही आ जाती है कि अपडेट हमें कब देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट अपडेट को दोस्तों बात किया था पोको एक्स2 में कब देखने को मिलेगा दोस्तों, तो ये अपडेट हमें दिसंबर के सेकंड वीक तक हमें अपडेट देखने को मिल सकता है हमारे पोको एक्स2 में। एज पर र्यूमर पोको एक्स2 में जो नेक्स्ट अपडेट मिलेगा दोस्तों हमें दिसंबर के मिड ऑफ वीक तक हमें देखने को मिल जाएगा।